प्रणाम साहिल भाई, मेरी आवाज आ रही है? प्रणाम सर, आ रही है आपकी आवाज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर मुझे मौका देने के लिए। सर मैं 2-3 महीने के बाद जुड़ा हूँ, नहीं 3-4 महीने के बाद जुड़ा हूँ सर। प्रणाम सभी जी को, पायलट वाला जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और सर आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपके चैनल के लिए। हाँ, थैंक यू सो वेरी मच। सर मैं अपना मुद्दा बहुत जल्दी रख देता हूँ। मैं आपसे करीब 3-4 महीने पहले जुड़ा था, उसके बाद जब मैंने आपको बताया था अपना पूरा किस्सा, उसके बाद सर मैं एक किस्सा छोटा सा आपसे रखना चाहता हूँ, और मेरा प्रश्न है कि उस प्रॉब्लम को कैसे डील किया जाए। मेरे एक मित्र हैं, एक आप कली कह सकते हैं, तो वो गौ सेवक हैं। तो उनके संज्ञान में एक किस्सा आया था, वो जिस जगह पे सेवा करते हैं गौ माता की, वहां की एक लड़की थी, तो उनके पास एक रिश्ता आया। मतलब वो प्यार में थी, उसका जो बॉयफ्रेंड था वो, उसने अपना नाम बताया मुस्लिम, मगर उसने ये बोला कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया। और वो दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे, तो उसने बोला, तो उनके परिवार वालों को थोड़ा सा ये वो हुआ, मगर उन्होंने पूरा अश्योर किया उस लड़के ने कि ऐसे ऐसे मैंने इस्लाम छोड़ दिया है, मगर मेरी फैमिली को नहीं पता है, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता, तो इट्स ओके। तो जो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मेरे को अप्रोच किया। अच्छा, मैं आपके चैनल से काफी समय से जुड़ा हुआ हूँ, मैं देखता हूँ, तो मुझे ये चीज पता है कि हाँ, अगर कोई एक्स मुस्लिम हो गया है तो उसके आइडेंटिटी पे थोड़ा सा इशू होता है, तो वो शायद खुल के नहीं बता पा रहे। तो जैसे दोस्त वगैरह को नहीं कहते हैं कि अगर जैसे कोई लड़की देखी जाए तो, अरे यार इसका बैकग्राउंड निकालो यार, थोड़ा पता तो करें शादी से पहले। तो उसका एक्चुअली घर मतलब दूसरे शहर में था, तो वहां पे हमने संपर्क करा कुछ लोगों से, तो वो नॉर्मल अपनी रूटीन फॉलो कर रहे थे। तो जो मेरे मित्र हैं वो मेरे पास वापस आकर के बोले कि नहीं यार, वो तो अपना नॉर्मल रूटीन फॉलो कर रहे हैं, वो तो मस्जिद भी जाते हैं, वो टोपी भी लगाते हैं जब भी घर जाते हैं। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ा सा इशू है कि अगर किसी ने इस्लाम छोड़ दिया तो उनकी ऊपर मुसीबत आ सकती है, उनकी जानो माल का नुकसान हो सकता है, अगर ज्यादा ज्यादा भी नहीं तो उनका कम्युनिटी से बेदखल हो सकते हैं, इतना सेफ अभी यहाँ पे है नहीं। फिर मैंने आपका चैनल भी उनको दिखाया, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, ऐसा ऐसा करके। बाद में हमने एक, हमारे जो मित्र हैं वो भी थोड़ा सा मतलब उनका भी ईमान थोड़ा हिला हुआ है, वो भी आपको फॉलो करते हैं, मैंने ही आपके और एडम सर के चैनल उनको इंट्रोड्यूस कराए थे, तो हमने उनसे बोला कि आप जाके इनसे बात करें, अगर ये एक्स मुस्लिम है तो आपकी तरह ये कुछ ना कुछ बोलेंगे। मगर जब उन्होंने उनसे बात करी तो उन्होंने, उनका रिएक्शन बहुत मतलब नेगेटिव था, और करीब 2 हफ्ते तक हमने थोड़ा सा उनसे बात करने की कोशिश करी, धीरे धीरे फ्रेंडशिप बढ़ाई और मतलब उनसे बात करवाया। बाद में ये पता लगा कि वो एक्स मुस्लिम नहीं थे, वो एक्स मुस्लिम के नाम पे उस लड़की के साथ विवाह करने की कोशिश कर रहे थे। तो सर फिर उसके बाद जब हमें ये चीज पता लग गई और हमने उस इंसान को कन्फ्रंट किया, तो फिर वो काफी वो माहौल खराब ही होता है उसके बाद जब सच्चाई सामने आती है। तो खैर, वो वहां से हमने जैसे तैसे करके उस लड़की को मतलब हमने उससे बचा लिया। मगर सर अगर ऐसे कोई, अगर एक्स मुस्लिम बन के अगर ये करने की कोशिश कर रहे हैं अगर मुस्लिम, तो इसको सर इसका क्या सलूशन है? मेरा बस यही प्रश्न है आपसे। देखिए, कुछ ऐसी चीजें होती है जो एक मुसलमान जो है वो, उसको आप कुछ भी कर लो तो वो नहीं बोलेगा। वो मैं यहाँ पे बता नहीं सकता। आप लोग इतने दिन से सुन रहे हैं चैनल, आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से टेस्ट लिया जाए उनका। अगर कोई इस तरीके से बोलता है कि वो एक्स मुस्लिम है, ये क्या है, आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। जो समझदार है वो समझदार को इशारा काफी होता है। उस तरीके से आप टेस्ट लीजिए, देखिए वो क्या कहता है, और उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा कि रियल में एक्स मुस्लिम है या नहीं है। जी जी सर, इनिशियली हमने यही सोचा था कि ये हमारी बहुत बड़ी गलतफहमी, क्योंकि सर जैसा कि हम लोग जानते हैं काफी सारे एक्स मुस्लिम्स भी अगर हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हैं, वो एक बार को क्या कहते हैं नहीं नहीं बोलते वो चीजें। मगर सर जैसा आपने कहा, हमने उनसे स्टार्टिंग में जब बात करी तो हमारे सामने उन्होंने ऐसे इंडिकेशंस दिए कि हाँ वो सही में एक्स मुस्लिम है, मगर जब वो उस माहौल में जाते हैं, जब वो किसी मुसलमानों से बात करते थे राइट, उस टाइम पे उनका रवैया चेंज होता था। तो जब हमने एक अपने दोस्त को एज अ एक्स मुस्लिम उनसे इंट्रोड्यूस करवाया, तब वो उनकी तरफ, उनका जो रवैया था वो बिल्कुल ऐसा था कि जैसे एक
जैसे आप कहते हैं अपंग लगे हुए बुद्धि वाले जो मोमिन होते हैं वो उनकी ठीक तरफ के। हाँ, जी, तभी हमको पता लगा कि ये नाटक कर रहा है। है, चलिए मैंने आपको बता दिया सर कि क्या तरीका होना चाहिए, और ये इसको पॉइजन पिल कहते हैं, और ये काफी मतलब 99.99% जो है ये पिल ऐसा नहीं होगा कि काम नहीं करेगा, यू विल गेट द रिजल्ट। तो अगर आप समझदार हैं और जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, अगर किसी को टेस्ट करना है तो वो पॉइजन पिल उनको पिलाएं, और आपको समझ में आना चाहिए कि क्या है वो पॉइजन पिल। जी जी सर, मैं बिल्कुल समझ गया सर। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद सर मेरे को जुड़ने का मौका देने के लिए। सर आपको फिर दोबारा से शुभकामनाएं सर, आप बहुत तरक्की करें, मेरी प्रभु से ही प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। अरे यार पोर्क खाने को बोलो, ये सब नहीं है, ये तो हो सकता है वो खा भी ले। नहीं 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 सर, ये नहीं, मैं समझ गया सर जो भी आप कहना चाह रहे थे। धन्यवाद सर। बहुत शुक्रिया।